अच्छी रुकुणा रथ अणलेउटा। पारंपरिक भाव यह रथ टणा हो गले आउ फेरेना। आठगड़ ब्लॉक राधामोदर पुर ग्राम आराध्य श्री श्री जम्बेश्वर महादेव रुकुणा रथ यात्रा अनुष्ठित हो जाएगी। ओडिशा एकमात्र रथयात्रा जो राति टणा होता है। रुकुणा रथयात्रा स्वतंत्र परंपर से 100 वर्ष धरी यह टणा हो आठगड़ ब्लॉक राधा दामोदरपुर ग्राम से। चलित बर्ष रथयात्रा शताधिक श्रद्धालु मैंने खुशी सह रथ टाणी तीन दिन धरी एही यात्रा रे विभिन्न दुकान बजार सह अपेरार मजा नहीं था दर्शक। पवित्र अशोकाष्टमी तिथि रे एही रथयात्रा समस्त रीतिनीति सहित संपन्न होई। सकाळ पहड़ फिटे ठारु आरंभ करी कलश यात्रा तीन धूप पांच अवकाश नीति संपन्न होबा परे ठाकुर अशोक कुंड रे स्नान करी मंदिर प्रवेश करी थांती। मंदिर मध्य रे समस्त नीतिकांत ओ अभिषेक परे रुकुणा रथ रे विजय करती। संध्या एक भव्य शोभायात्रा ग्रामवासी मैंने आसी ग्राम मुरबी भागीरथी करंकर घर को जाई सेठे तांको निमंत्रण करिबा सहित गोटे दिन राजा भावरे अभिषेक कराई विराट शोभायात्रा रे बाण फुटाई ग्राम परिक्रमा करी थांती। परे तांकरी द्वारा रथ उपरे छेरा पहरा नीति संपन्न होबा परे रथ टणा हुई ठाकुर मौसी घर को जाठार स्वतंत्र मांडुआ भोग लगी हेबा परे विमान रे ठाकुर आसी यात्रा पड़िया रे पहुंची थांते। पाखापाखी शह शह वर्षर एक अनन्य परंपरा ओडिशार अन्य कौनसी जगार देखा मिले ना। ठाकुर गोटा महान पर्व एवं आज राति चारिटारु कलश यात्रा आरंभ हुए। अशोकाष्टमी अशोक फूल द्वारा सुशोभित हो ठाकुर अशोक कुंड रे स्नान करती। तापर ठाकुर मंदिर भितर प्रवेश करती। आज दिन जाकरे तीन धूप पांच अवकाश तमें सका संध्या पर्यंत कार्य पूजा अर्चना अभिषेक लगि रही थाए। संध्या पर ठाकुर मंदिर भितर बाहरी चारि मंदिर चारिकर तीन घेरा प्रदक्षिण कर रथ को आरूढ़ हूँ। रथ उपर ठाकुर जाए मान मुरबी छेरा पहरा कर रथ को मौसी माँ घर पर्यंत नहीं जाती। मौसी माँ घर में मांडू पिठा या मौसी माँ घर में मांडू पिठा खाई पुणी मंदिर को प्रत्यावर्तन करती। शिवसेना मंदिर प्रतिष्ठा होता चलित बर्ष 100 वर्ष पूर्ण पूर्णांग है। मु ठाकुर छेरा पहरा कर 50 वर्ष होगा। बापा कर बुढ़ापा कर मुझे मोर भी 50 वर्ष पूर्ण होगा। ग्रामवासी अकुंठ सहयोग सहानुभूति ये कार्यक्रम चली दिन ठाकुर इच्छा थी। रुकुणा रथयात्रा को नहीं यह कहवाक चाहे यह आम गाँव रोटे बहुत बड़ गौरव गर्वर कथा। आमर 100 वर्ष है पालन करी मैंने ठाकुर ये नहीं कि हुए मान मानसिक करती। जो मान पिलापिली न हुए भी सका आसिकी गाधुआ पाधुआ करती ठाकुर भी मनस्कामना पूरण करती। नहीं आम गोटे चली आम मुझे देखिए 40 वर्ष है चलुची 30-40 वर्ष होगा रथयात्रा भी हो बहुत विश्वास करती। ठाकुर आमर बहुत विश्वास ठाकुर जहाँ भी मानसिक करती सब भी पूरण हुए समस्त आमर शिव ठाकुर शिव महादेव आमर जम्बेश्वर ठाकुर ठाकुर नाम जम्बेश्वर महादेव। वंशानुक्रमे ग्राम मुरबी भाव में भागीरथी कर रथ उपरे आज को 50 वर्ष धरी छेरा पहरा नीति करश्वास रही। अशोकाष्टमी तिथि अशोक कुंड रे स्नान कले समस्त रोगशोक दूर होगा सहित बंध्या दोष मुक्ति मिलता है। तेज हजार हजार श्रद्धालु समागम को दृष्टि रखि व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करा। जम्बेश्वर महादेव पाखरे जी मानसिक करे ताहा पूर्ण होता है जो विश्वास रही। सेतिपई हजार हजार श्रद्धालु माने एही यात्रा रे रथ टाणी थांती।
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଇଏ କହିବି କି ସବୁଆଡ଼େ ଦିନରେ ରଥ ଟଣା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାକୁ 100 ବର୍ଷ ଟପିଗଲା। ଆଉ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଯାତ୍ରାର ନାଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧା ଦାମଦପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏବେକାର ନୁହଁ, ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର, ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, 1899 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 1925 ମସିହାରେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ଜୟରାମ ପ୍ରେମଜୀ। ଆଜକୁ ସେ 1925 ମସିହାକୁ ନେଇକି ଆଜକୁ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିରର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଯିଏକି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ହେଉଛି 50ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଆଜି ଏହି ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ରୁକୁଣୀ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ରଥକୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ ଆୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, 2 ସେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ, ମୁଁ ଏବଂ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଥାନାରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ସତର୍କ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ସିଭିଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାଚିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଭିଲରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ଦିନ ଧରି ସାରି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ? ଏବେ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।